वेलकम बैक मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टर के बारे में, ठीक है। एक साइट इंजीनियर को प्लास्टर की चेकलिस्ट कैसे बनाती है और हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखकर प्लास्टर को चेक करना चाहिए। पहला आता है प्लास्टर करने से पहले प्रॉपर तरीके से हैकिंग हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, वॉल पर वो चीज़ चेक करना होता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका सरफेस, जो हमारा सरफेस है कहीं पर बीम का हल्का सा टक निकला हुआ है, ठीक है, या कॉलम आपका थोड़ा बस साउल हो गया है तो उसकी हमेशा चिपिंग विपिंग हो रखी है नहीं हो रखी वो हमेशा देखना पड़ता है। गैप फिलिंग, डोर विंडो है, ठीक है, वहाँ पर आपको मोर्टार हमें थोड़ा सा हमें डालना पड़ता है, ठीक है, चारों तरफ लगाना पड़ता है मोर्टार। वो आपका मोर्टार लगा हुआ है नहीं लगा हुआ वो चीज़ हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। चिकन मैस, प्लास्टर करने से पहले पूरी तरीके से आपका 7 इंची की, ठीक है, एक होता है आपका ब्लॉक वर्क और बीम के सेक्शन में आपकी चिकन मैस लगती है ताकि आपका इन फ्यूचर आपका क्रैक डेवलप उस जगह पर ना हो, ठीक है। चिकन मैस लगाने के ऊपर उसके ऊपर पेस्टिंग की गई है नहीं की गई है मोर्टार से, वो भी हमें चेक करना पड़ता है चिकन मैस अच्छी है नहीं अच्छी है। गैल्वेनाइज आयरन की उसमें यूज़ हो रही नहीं हो रही है वो भी हमें चेक करना पड़ता है चिकन मैस में, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा बुल मार्क। नॉर्मली जैसे आपका इंटरनल एरिया में प्लास्टर आपका 12 mm का थिकनेस का यूज़ होता है, ठीक है, जब भी आपने वो बुल मार्क लगवाया मैसन से तो उस बुल मार्क का आपको साउल चेक करना है और उस बुल मार्क का आपको गुनिया चेक करना है, गुनिया मीन्स राइट एंगल चेक करना है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आपका। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट कोट जो आप प्लास्टर का वॉल पर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट कोट में आपका जो उस वाटर का केमिकल कंपाउंड है वो ठीक है ये ठीक नहीं है ये भी हमें आपको चेक करना पड़ता है उस प्लास्टर से करने से पहले, ठीक है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल क्लियर है नहीं क्लियर है वो भी हमें चेक करना पड़ता है। प्लास्टर हो जाने के बाद क्या क्या एक्टिविटी हमें चेक करना पड़ती है उसका मैं बताता हूँ। प्लास्टर होने के बाद सबसे पहले उस प्लास्टर पे हमें डेट डालना पड़ता है, ठीक है, हमें इस डेट को प्लास्टर हो रखा है 7 डेज तक उसमें क्यूरिंग हुई है नहीं हुई वो चीज़ चेक करना पड़ता है। फेस पर जैसे आपका ये वॉल जिस पे प्लास्टर हो चुका है उस पर हल्के हाथ से इसको रगड़िएगा, ठीक है, रगड़ने पर अगर उसमें डस्ट नीचे गिरती है तो उसको बैड क्वालिटी की उसमें सैंड यूज हुई है, या तो सैंड स्क्रैमिंग नहीं हुआ है यानी कि छाना नहीं है सैंड उसमें वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं हुई है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको उस पर ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जैसे आपका प्लास्टर का उसमें BOQ में दिया रहता है 1:6 में आकर रेशियो में आपको प्लास्टर उसमें लेना है हमें, तो वो मोर्टार जब तो आपको फर्स्ट कोट हो गया हमारा, ठीक है, सेकेंड कोट जब आप लेंगे प्लास्टर का तो उस मोर्टार में जो हमारा सैंड है वो प्रॉपर तरीके से आपका स्टैंडर्ड सैंड यूज़ हो रहा है यूज़ हो रहा है वो भी हमें चेकआउट करना पड़ता है एज पर साइट जानकर, और क्यूरिंग भी पर डे हमें चेक करना पड़ती है क्यूरिंग हुई है नहीं हुई, ठीक है, कहीं पे आपका प्लास्टर में आपका लाइन ठीक है, ठीक है, कहीं पे आपका बैंड तो नहीं हो रहा, ये भी चीज़ें आपको चेक करना पड़ती है। इक्वल मेजरमेंट भी चेक करना पड़ता है, ठीक है, फंटी से भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपका जो मैसन लोगों के पास फंटी वगैरह होती है उससे भी आप प्लास्टर चेक कर सकते हैं कहीं पे आपका गैप ऐप नहीं है क्या नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।